सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे और किट्टी की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो गाइस, आपको हैप्पी दिवाली सबको। और अरे रुक जा यार, तो मिलते दोबारा से और अपन आज बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और वैसे तो मैं कपड़े लेके नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे ना शौक नहीं है यार दिवाली पे नहीं पहनने का, मुझे बर्थडे पे पहनने का शौक है, बट देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग देवताओं पे जाएंगे अपने और तो फिर आपसे मिलते बाद में। थोड़ा परेशान कर रही है, मैं चाय वाय पी लेता हूँ, तो मिलते आपसे बाद में। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत सजावट करी है अभी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही बहुत है यार, क्योंकि देखो लाइटिंग वगैरह पूरी सेट कर रखी है, बहुत सारी लाइटिंग लगा दी है और बाहर भी लगाई है, वो रात में आपको दिखेगी, है ना। तो अभी तो हमने ये वाला सेटअप किया, देखो ये फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको, नहीं सॉरी बैक कैमरे से। ये देखो गाइस, शुभ दीपावली, और फिर साइड में ये झालर टाइप, फिर उसके बाद जब बाहर निकलते अपन तो ये बाहर का भी कुछ ऐसा है। सो गाइस, देख ही लिया होगा आपने, एंड अभी अपने लोग चलेंगे गांव, और गांव पर अभी तो थोड़ा बहुत काम है, मेरे को कहीं जाना है काम से, है ना। उसके बाद हम लोग तैयार होंगे, नहाएंगे, कपड़े चेंज करूँगा, टी शर्ट में शायद आज पिंक कलर की पहनूंगा या पर्पल पहनूंगा, जैसा भी होगा देखेंगे, है ना। उसके बाद अपन गाड़ी से चलेंगे, बाइक से भी जा सकते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं आपसे। गाइस, मेरी किट्टू को देखो, ये बिंदी लगा के कितना अच्छा लग रहा है। लल्लू किट्टू, अरे वाह बेटू बेटू, बहुत अच्छी लग रही है तू किट्टू। सो गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के रेडी है, और तुम्हारे भाई ने आज ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है और जींस अपनी, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने धनों से पंडित जी को लेने, और पंडित जी की मम्मी भी जाएंगी, वो मम्मी नहीं सॉरी दादी, तो उनको पहले मैं गांव दर्शन वगैरह करा के लाऊंगा, उसके बाद हम लोग अपने गांव जाएंगे। तो हमारे से पहले हम उनके गांव जा रहे हैं, क्योंकि यार उनका अर्जेंट कॉल आया तो जाना बनता है। तो ये तो सूख ली है, तो चलो गाइस फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस, तुम्हारे भाई ने बैक कर लिया गाड़ी और अब आ गया है निकलने की बारी, तो अपन निकलते हैं और सबसे पहले अपन दर्शन कर लेते हैं अपने शिव जी के। तो गाइस अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो आज सेफली आप लोग रेकर्ड्स वगैरह फोन में एंड अपनी फैमिली के साथ, वैसे तो टाइम स्पेंड ज़्यादा करना, फटाके वटाके तो क्या ही फोड़ना है, थोड़े बहुत नॉर्मल फूल जड़ी वगैरह जला लेना, ज़्यादा तो फटाकों में क्या पैसे वेस्ट करना है फालतू में, इतना तो लोगों की फैमिली के पास जाओ, मिठाइयाँ लेके जाओ, खाओ, भाइयों के साथ इन्जॉय करो, सिस्टर के साथ इन्जॉय करो, मजे करो, घूमो फिरो। तो गाइस चलो फिर अपन चलते हैं और अब अपन सीधा मिलेंगे पंडित जी के गांव में। सो गाइस, तुम्हारा भाई पहुंच तो गया है, बट अभी क्या पंडित जी को टाइम लग रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं कि 2 मिनट में आ रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तुम्हारा भाई इधर बटुए के चौराहे पे खड़ा हुआ है, बटुए के नाम से फेमस है दुकान के नाम से। तो अब यार मैं सोच रहा हूँ, मैंने हाँ तो बोल दी बट ना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखो 2 घंटे आने जाने में लग जाएगा, रास्ता सही नहीं है क्योंकि सगरगटा का, उसके बाद अपना खेड़ला जाना है 1 घंटे वहाँ के, 2 घंटे लिए, हाँ 2 घंटे वहाँ के लिए भी चाहिए, और फिर एक जगह और जाना है तो 1.5 घंटे वहाँ के लिए चाहिए। तो मतलब बड़ा गहरा काम है आज का। सो गाइस, ये देखो खेती खेत अपना, और पंडित जी की जब पूजा कर रहे हैं, और तुम्हारा भाई खेतों में फुल मजे ले रहा है, और आम का पेड़ भी है भाई, मतलब अभी तो आम उसमें है नहीं बट पेड़ है यहाँ पे, और देखो कितना बड़ा खेत है। और यार हम लोग ना बहुत भटक गए थे, 6-7 किलोमीटर, इसलिए हमको आने में टाइम लग गया। तो अब अपन सीधा मिलेंगे हिंडौन पहुँच के, बट पहले मैं आपको खेत और ये पेड़ दिखा देता हूँ, कितना सेक्सी लग रहा है। तो देखो ये तो आम का पेड़ है, ये इतने सारे खेत, और ये पंडित जी वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। इसलिए देखो वहाँ चढ़ा देंगे ना। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई बैठा है गाड़ी में, और तुम्हारा भाई गाड़ी में ही आज पूरे दिन, तुमने देखा ही होगा मटर पनीर लिखा, क्या लाना है, मटर पनीर अलग अलग नहीं
नहीं तो साथ में मिक्स आएगा क्या? अच्छा सब्जी लानी है क्या? वो वैसे लाना है ओपन। अच्छा ठीक है चलो, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भराने बड़ी गाड़ी में। तीसरी बार भराने खत्म हो गया और उसके बाद बोतल में भी लाना है। ये रेडी होगी अभी थोड़ी देर में और मैं भी होऊंगा। ये कपड़े जबरदस्ती लेके आ गए, अभी देखूंगा कैसे। हां गाइस मुझे भी जबरदस्ती दे दिया। चलो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में। ये देखो इसको ये बच्चे मिल गए छोटे छोटे। लाइट आ रही है। सो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी और सरप्राइज मिला है तुम्हारे भाई को। ये कपड़े देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं, तगड़े। और भी मेरे पास थे, मतलब तीन लेके आए हैं, बट मैंने ये पहना है। एक ब्लैक कलर का है और एक स्काई ब्लू कलर की है। तो और ये अपनी मैं तेरी तरफ ले ही नहीं रहा फालतू में। तो गाइस मैं तैयार हो रही और गाइस उसको देखो ये मांग के लाई है, मतलब मैंने दिलाया है। और ये है अकुडॉन। गलती हो गई है भाई साहब। और गाइस ये कौन छुपा हुआ है? किट्टू बेटू आ जा आ जा आ जा। अभी अभी देखना गाइस ये भागी। पहुंच जाओ मम्मी के पास। ये देखो मम्मी के पास गया। किट्टू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली लल्लू। हां आप तैयार नहीं हो रही? आप तैयार नहीं हो रही क्या? तो गाइज अभी पूनम मौसी के यहाँ जाएंगे और अक्कू देख रहा है पीछे से। मैं अक्कू दिया भूमि पूनम मौसी के यहाँ जाके सीधा आपसे मिलेंगे। ये देखो अभी तैयारी चल रही थी बट हम थोड़ा लेट हो गए, तो अभी हमने 11:30 बजे का मुहूर्त देखा है। 11:30 बजे पूजा करेंगे। और ये देखो गाइज बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा व्यू, रात में कितना मस्त लग रहा है। ये देखो और ये देखो लाइटिंग और अपना ये देखो बाहर का भी व्यू। और अभी बाहर से पूरा घर दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है। सब जगह यार तो लाइटिंग लाइटिंग है। ये देखो गाइस है प्यारा, तगड़ा फील आ रहा है। कैड़ा ही फील है भाई बहुत। जल्दी चलो जल्दी, फोटो शूट चल रहा है। इसको देखो भूमि, चल जल्दी। तितली बितली मत लगा। चल दिया जल्दी। दिया ना कम कहियो कम। तो गाइस अब चालू हो चुका है मामला। ठूसन ठूसा सो गाइस तुम्हारा भाई आ गया है अब पूनम मौसी के यहाँ। तो लुकिंग गाइस मेरा भाई थोड़ा इसके शादी वादी का वो लड़कियाँ आई थी देखने, तो बहुत तैयार है भाई मेरा। हाँ भाई तो चले फिर पटाखे सुटाखे थोड़े बहुत थोड़े यहाँ इस बार, क्योंकि मैं पटाखे नहीं लाया। नमन बोल रहा होगा पहले भी कब लाते थे। तो गाइस चलो चलते और पटाखे वटाखे फोड़ेंगे। तो चलो तो गाइस हम तीनों भाई चल दिए हैं अब दोबारा पूनम मौसी क्या, और अब फटाखों पे फटाखे। गाइस अगर समझा दिया तब पैसे मांग रहे सिगरेट वो कौन सिगरेट नहीं क्रैकर्स बोलते हैं।
तो चलो गाइस चलते हैं और ऐसे तेरी क्या व्यू था। ओहो ओहो ओ गाइस तुम्हारा भाई और चंपू चल भाई पटाखे फोड़ेंगे। अरे एटीट्यूड आ जान तू यार जल्दी आ। तो गाइस ये क्या पे ओए क्या हरकत है ये क्या ये अलग क्या जोक है नहीं जा पा रहा भैया जी और इसको देखो ये रखवाली कर रही है बाहर की अभी फटाके फोड़ेगी। अरे याद आ रही है घर की मजा ही मजा। ये पागल हो गई एकदम होली समझ रहा है। अरे होली समझ रहा तू क्या समझ रही थी अभी पहले मैं शूट कर लूं गाइज नमन किसी को गाइज नमन किसी को देख रहा है पर मैंने धुआं धुआं हो गया भाई गाइज ये देखो अबे तेरी कौन। अरे यार हाँ यार ये लोग डर रहे यार क्यों मेरा तो फोन रहे तेरा फोन ये ले अम्मा आ गई अम्मा कायम अम्मा लग रही हुई एक नहीं ओए ओए तो पप्पा रे चला पप्पा रे आजकल गाड़ी दूर चले ओए सुनिए ना बड़ा थोड़ी बात कर क्यों काय पीछे देखो पीछे तेरी ओ फटो फटो ओ तेरी ऊपर मुंह कर दियो ऊपर वहां पे और पीला ना गाइस अब तुम्हारा भाई चला गंगा जमुना यार एक दो हां तू तो मोदला में चलाऊंगा यार गाइस देखो उस पे एक फूल जड़ी नहीं जल रही है क्या फटाका जलाएगा जलगी 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 वैसे फटे चल अंतु आलू खा दूर हट जाइए भाई साहब। अरे जला तू तो चला चला नहीं चला एक मिनट रुक जा ए शेर रुक जा ए रुक जा यार बगल में कोई यार जो भी है ठीक ठाक है ए रुक जा कर गंजे हमसे छोटा पर धमाका बहुत तगड़ा करता है ओ जंगा जमुना आओ तुम हां अब मत छोड़े ना यार जंगा जमुना आई तो ओ अरे यार ठीक है नहीं चल रही ओ भाई ओ
सो गाइस नमन ओ मतलब नमन तो गोवर्धन जी के दिन फटाके तगड़े ही फोड़ने। इस बार तो हमने डेमो दिया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। है अंतु है ना भाई, रसगुल्ले के पैसे मांगेगा। हाँ सो गाइस अभी मुहूर्त का टाइम हो गया पूजा का, तो अभी हम करेंगे पूजा। मैं और नमन जा रहे हैं स्कूटी से, और दिया भूमि और अक्कू पहुंच गए बाइक से। तो यार अभी चलते हैं और पूजन वगैरह करेंगे, क्योंकि क्या थोड़ा मुहूर्त निकल जाता ना, इसलिए हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। बट ठीक है यार, अपन बढ़िया सब जगह घूम लिए, अब पूजन करेंगे, फिर पूनम मौसी के खाना खाएंगे, फिर अपने घर खाना खाएंगे दो दो जगह। तो चलो फिर आपसे हम मिलते हैं अभी पूजन में। तो गाइस अभी पूजन की तैयारी चल रही है। पूजन बेटू बेटू ये देखो बढ़िया सज गया पूरा, मिठाई उठाई। किट्टू तो गाइस चलो पूजन करते हैं और आपसे मिलते हैं पूजन में। गाइस ये देखो काजल दे गाइज अब हम निकल रहे हैं स्कूटी और प्लस बाइक। जाओ मम्मी बैठो बाइक। तो गाइज चलो फिर खाना स्टार्ट करते हैं, मटर पनीर और ये अक्कू है गाइज जो खाना खाते ही रहता। ये हमारी मौसी है गाइस, मौसी मौसी तो गाइस तुम्हारे भाई ने खाना वगैरह खा लिया और अब बहुत तगड़ी नींद भर रही है आंखों में मेरे और अनंत के। तो गाइस अभी आपको गया मम्मी भी आपको छोड़ने में, और टाइम देख लो गाइस कितने बज रहे हैं, 10 बज के। ओ भाई 1:30 बज गए। तो गाइस अभी आपको आ जाए तो हम जाएंगे। गाइस गुड नाइट, चलो फिर गाइस मिलते हैं, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू माय ब्रदर, बाय बाय। ये ब्लॉग हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं एंड अगेन हैप्पी दिवाली। तो अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।